हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम एस्केलेंथेस के बारे में। तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ये हमारा पांचवा फाइलम होगा, ये हमारा एस्केलेंथेस। तो इसका हम लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। द बॉडी ऑफ एस्केलेंथेस इज सर्कुलर। सबसे पहले तो सर्कुलर होता है, इस पर ध्यान देना। सर्कुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, तो ये चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हेंस द राउंड वर्म। अब ये राउंड वर्म होता है, राउंड वर्म ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। राउंड वर्म होता है क्या? एस्केलेंथेस हमारा राउंड वर्म होता है, सर्कुलर होता है, इसलिए राउंड वर्म होता है, ठीक है, गोल, ठीक है। दे मे बी फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इसके फीचर्स याद रखना, दे मे बी फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक। सबसे बड़ी बात, टेस्टियल होता है ये, तो टेस्टियल कौन सा होता है, ये चीज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और पैरासिटिक इन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, तो ये कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, बनता भी है। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये दे आर बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। और सब ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल तो होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक भी होते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये चीज यहाँ ध्यान देना है। इसके बाद सबसे बड़ी बात, सूडो सिलोमेट। इसका तो क्वेश्चन इतने बार पूछा हुआ है ना, तो काफी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूडो सिलोमेट कौन सा होता है, यानी कि फॉल्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स सिलोमेट किस में होता है, तो एस्केलेंथेस में हमारा सूडो सिलोमेट होता है, इसमें ध्यान देना है। और एलिमेंट्री केनाल सबसे पहले किस में मिलता है हमें, एलिमेंट्री केनाल भी एस्केलेंथेस में मिलता है, ए से एलिमेंट्री केनाल, ए से एस्केलेंथेस, इतना हमें ध्यान देना है। एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले कंप्लीट होता है, वो भी वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरनिक्स के साथ, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कई बार, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि एलिमेंट्री कैनाल तो होता है, एलिमेंटर वो भी कंप्लीट होता है और मस्कुलर फेरनिक्स के साथ होता है, ठीक है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर होते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट डैशेस होता है, डेट मेक्स मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फीमेल देखो क्या होता है, बड़ा होता है, वही मेल हमारा छोटा है, ठीक है। ऑफ्टन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ये हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन, फीमेल बड़ा होता है या मेल बड़ा होता है, तो फीमेल हमेशा बड़ा होता है मेल से, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों हो सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, खासतौर से ये सूडो सिलोमेट का और राउंड वर्म का, और ये हमारा एलिमेंट्री के नाल से भी ये पूछा हुआ है, मस्कुलर फेनिक्स, ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, और टेस्टिल वाले से भी, तो इस पे हमें खास तरह से ध्यान देना है। इसके बाद हमारा आता है इसके एग्जांपल, एग्जांपल देखो, एस्केरिस एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स पूरा होता है, ठीक है। ऐसे राउंड वर्म आता है हमारा, वो चोरिया बैनक्रॉप्टी जिसे कहते हैं, फिलरी वर्म्स आते हैं जिसे काटने से क्या होता है, एलिफेंटिस डिजीज हो जाती है ना, ठीक है, जिसमें पैर मोटा। इसके बाद आता है हमारा एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हम हुक वर्म कहते हैं। अभी देखो एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिखना, लो 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 और लो, ठीक है, ये हमारा किस में होता है, आई में होता है, इसको हम आई वर्म कह देते हैं, आई में आई वर्म हो जाता है, ठीक है, आई वर्म होता है, आँख में हो जाता है, हमारी आँख में देख दो, जो हमारा कॉर्निया है ना उसके साइड साइड में छोटा सा होता है, जिससे उंगली पे लेना छोटा सा होता है, तो लो लो उसे आई वर्म कह देते हैं। अब देखो इसमें पार्ट देखते हैं, इसमें हमारा क्या है, ये तो पहले मेल है, तुम्हें पता ही है फीमेल है, ये फीमेल दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन मेल छोटा लग रहा है, इसका ये मौत होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये मौत होता है, इसमें भी यही क्या होता है, यहाँ पे ये मौत होता है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मौत होता है इन दोनों में। इसके बाद क्या होता है, ये देखो ये टेल है ना, टेल, ये कर्व टेल होता है, ये कर्व टेल होता है, तो इससे भी हम मेल फीमेल को पहचान सकते हैं, ठीक है। और ये होता है फीमेल, फीमेल हमारा क्या है, गोनाफोर आ गया, और ये हो गया हमारा लेटरल लाइन हो गया, ये जो बीच से ऐसे ऐसे लाइन जा रही है ना, ये देख रहे हो लाइन, ये हमारा इसको लेटरल लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटरल लाइन, ठीक है। फिर यहीं पे इसका एक्सक्रीटरी पोर भी होता है, इधर ही के साइड, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर भी होता है इनका, ठीक है। तो ये हमारा इसको याद रखना है, एस्केलेंथेस में हमारा ये मतलब क्वेश्चन पूछे गए, तो इस पर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइम क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और एक चीज बात करनी है तुम लोगों से कि यार शेयर करो थोड़ा, ठीक है, लेक्चर को शेयर करो, फैलाओ, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाओ, ठीक है, मतलब इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, कम टाइम में और शॉर्ट वीडियो में जानो, उसके बता रहा हूँ कि हम 5-10 मिनट का भी वीडियो देखें, 15 मिनट का भी वीडियो देखें और अच्छे से हमें समझ आए। एनसीईआरटी भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कोई समझ रहा होगा एनसीईआरटी की क्यों पढ़ा रहे, तो नीट का जो पेपर है ना, अब एनसीईआरटी से ही आता है, अगर बायो में 90 क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के, तो 90 में से 89-88 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, इसलिए एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूँ मैं इसलिए, और हम आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं,
ठीक है, जो सेम नेम हमारा जैसे टारगेट नीट यूजी प्लस बोर्ड ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर अच्छे खासे बुक्स हैं, ठीक है, अच्छे खासे बुक्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन हैं, प्रिंटेड हैं बुक्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के अच्छे खासे बुक्स हैं वहाँ पर, जिससे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ के फॉर्म में बुक्स हैं वहाँ पे अच्छे खासे, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, फैला देना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।